सुनील शेट्टी बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है। सुनील शेट्टी ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई। 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक के मैसूर में जन्मे सुनील शेट्टी ने बचपन में एक सपना देखा था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। दरअसल सुनील शेट्टी क्रिकेटर बनना चाहते थे। सुनील शेट्टी ने फिल्म बलवान से बॉलीवुड में एंट्री की। खबरों की माने तो उस वक्त कोई भी एक्ट्रेस सुनील शेट्टी के साथ काम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो न्यू कमर थे। मोहरा सुनील शेट्टी के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और रवीना टंडन थी। 2001 में आई फिल्म धड़कन के लिए सुनील शेट्टी को बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। एक दशक तक बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने के बाद सुनील शेट्टी का करियर ग्राफ नीचे जाने लगा। लगातार उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर मेकर्स ने उन्हें मल्टी स्टार फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया। पिछले काफी सालों से फिल्मों में सुनील कम ही दिखाई देते हैं। वो कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही काम करते हैं। भले ही सुनील शेट्टी फिल्मों में कम दिखाई देते हों, लेकिन वो कमाई के मामले में कई बड़े स्टार्स को मात देते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सुनील शेट्टी $10 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। दरअसल फिल्मों के अलावा सुनील शेट्टी का होटल इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम है। एक्टर ने पुणे में एक हेल्थ और फिटनेस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया है। इसी के साथ मुंबई में सुनील शेट्टी का बड़ा रेस्टोरेंट होटल बिजनेस भी है। अपने इस बिजनेस से सुनील हर साल 100 करोड़ रुपए कमाते हैं। सुनील शेट्टी का लाइफस्टाइल किसी राजा से कम नहीं है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो सुनील शेट्टी ने 9 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद अपनी गर्लफ्रेंड माना से शादी की। दोनों की पहली मुलाकात एक बेकरी शॉप में हुई थी। सुनील पहले ही नजर में माना को अपना दिल दे बैठे और उन्होंने सोच लिया कि वो इसी लड़की से शादी करेंगे। सुनील को अपने सपने को पूरा करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े। सुनील के पास माना के साथ दोस्ती करने का कोई जरिया नहीं था। फिर उन्होंने माना की बहन को अपना दोस्त बनाया। फिर माना की बहन ने दोनों की मुलाकात करवाई। माना से मिलकर सुनील ने उन्हें झट से प्रपोज कर दिया और माना ने हाँ भी कर दी, लेकिन उस समय दोनों की उम्र काफी कम थी। जब सुनील को माना से प्यार हुआ तब वो एक स्टूडेंट थे और दूसरी ओर माना एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन इनका प्यार कम नहीं हुआ। लंबे समय तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली और अब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सुनील और माना के दो बच्चे हैं, अथिया शेट्टी और अहान शेट्टी। सुनील की पत्नी माना भी बिजनेस वुमन है। जी हाँ, सुनील शेट्टी की पत्नी माना किसी सुपर वुमन से कम नहीं है। वो बिजनेस वुमन होने के साथ साथ सोशल वर्कर, डिजाइनर और होम मेकर जैसी कई जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। वहीं सुनील की बेटी आथिया शेट्टी फिल्म हीरो से एक्टर सूरज पंचोली के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। सुनील के बेटे अहान फिल्मों में उतरने की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं एक्ट्रेस सोनाली बिंद्रे को सुनील शेट्टी पर क्रश था। सोनाली ने सुनील के साथ कई फिल्मों में काम किया। इस दौरान वो सुनील को अपना दिल दे बैठी, लेकिन सुनील शादीशुदा थे, इसीलिए उन्होंने कभी अपने दिल की बात एक्टर से नहीं की। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर सुनील शेट्टी शादीशुदा ना होते तो सोनाली के बारे में जरूर सोचते। खैर, ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।